मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। लगभग 300 वर्ष पहले महिला सशक्तिकरण के लिए उनके द्वारा अपने शासनकाल में कई काम कराए गए। उन्हें सम्मान देने के लिए सरकार ने इस बार विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम अहिल्याबाई के नाम पर किया। प्रदेश के सभी जिलों में आयोजन हुए देवी अहिल्याबाई के शासन स्थल महेश्वर में आयोजित सशस्त्र पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सारे अहिल्या माता द्वारा बताए गए एक एक कदमों पे हमारी सरकार चलने के लिए तत्पर है। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हमने सरकार के माध्यम से विकास के संकल्प लिए हैं। यहाँ पर लगभग 61 करोड़ के 8 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। जोरदार ताली बजाओ अपने इन कामों के लिए। 18वीं शताब्दी में लगभग 28 वर्ष के कार्यकाल में अहिल्याबाई ने प्रशासनिक कुशलता, जन कल्याण, सुशासन के कई दृष्टांत प्रस्तुत किए। अब उनकी 300वीं जयंती पर सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में महेश्वर में निमाड़ उत्सव का आयोजन किया गया है। लोकमाता देवी अहिल्या के कार्यों को जीवंत बनाए रखने के लिए सरकार नर्मदा तट पर अहिल्या लोक बनाने जा रही है। महेश्वर को लोकमाता अहिल्या पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी भी की जा रही है। यह इंदौर से लेकर उज्जैन धार्मिक पर्यटन सर्किट में एक और आकर्षक होगा। आपको बता दें कि अहिल्या लोक 3 हिस्सों में तैयार होगा। इसमें माता अहिल्या के प्रेरक प्रसंग, उनके इंदौर आगमन, विवाह, शौर्य गाथा, राजकाज प्रक्रिया के साथ अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों को पेश किए जाने की तैयारी है।